नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं युवा भारत समाचार। नरेंद्र दास मोदी प्रधानमंत्री G7 में जो अन्य देश के अन्य राज्य के भी लोग वहां पर संपन्न हुए थे, लोग वहां एकजुट हुए थे, एक बड़े बड़े देश के लोग वहां पर मोदी सम्मान को इतना मोदी को सम्मान मिला है, हमारे भारत को इतना सम्मान मिला है, हद से ज़्यादा इतना सम्मान कभी हमारे देश को कभी नहीं मिला है। उधर मोदी सरकार ने वहाँ से वापसी कर दी, तो एयरपोर्ट पे उतरते ही मोदी मोदी योगी योगी होने लगी। इस वीडियो को साइड में आप जरूर देखिए। तो उसके बाद 28 मई को उद्घाटन होना है सांसद का, नई सांसद का। तो विपक्ष में आग सी सुलग लग गई है। तो कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी, कौन कौन सी नहीं शामिल होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। कार्यक्रम में शामिल होने वाली पार्टियां, तो सबसे पहले बीजू जनता दल है, दूसरी बहुजन समाजवादी पार्टी है, तीसरी TDP है, और चौथी YS कांग्रेस है, और AIDMK है, अकाली दल है। और दो दिन में कितनी पार्टियां टूट टूट के शामिल होंगी पता नहीं, मगर आने वाली पार्टियां कौन कौन सी नहीं हैं वो भी बता दूँ आपको। सबसे पहले कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, और जनता दल है, आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लिंक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, केरल कांग्रेस है, और अन्य भी पार्टियाँ हैं। उन्होंने समर्थन नहीं दिया है, मगर दो चार दिन में पता नहीं समर्थन देगी या नहीं देंगे। आने वाली पार्टियाँ मैंने आपको बता दी, जो विपक्ष में बैठी हैं वो भी बता दी, कौन नहीं आएंगी वो भी पार्टियां बता दी। अब देखते हैं 28 मई को कौन कौन आएगा। और एक बात क्लियर कर दूं, राष्ट्रपति के बारे में जितना विरोध हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा 28 मई को, वो आएंगे नहीं आएंगे।